हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हक्का नूडल्स। आओ बनाते हैं हक्का नूडल्स रेसिपी। सबसे पहले हम पानी गरम कर लेंगे और उसके अंदर ये सैंड का हक्का नूडल्स डालेंगे और उसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़े से चलाते रहिएगा। थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे उसमें हम, हल्का सा। उसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट चलाएंगे। नूडल्स बॉईल होने के बाद उसमें हम उसका पानी निकाल के उसमें थोड़ा सा ऑयल मिला देंगे और उसको चम्मच से थोड़ा सा मिला देंगे ताकि वो खिले खिले बने। उधर हमने कढ़ाई पे तेल गरम करने के लिए रखा है। दोस्तों, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा पहला वीडियो है जो मैंने मतलब कुछ बनाया, रेसिपी बनाया है। और उसमें हम अभी कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा लहसुन। थोड़ा सा हल्का होने के बाद हम उसमें डालेंगे थोड़ी हरी मिर्च, उसको थोड़ा सा हम चलाएंगे। फिर डालेंगे प्याज, प्याज अच्छी तरह पकने के बाद हम थोड़ा सा उसमें डालेंगे गाजर। गाजर को भी हम थोड़ा सा चलाएंगे। थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट मिर्च चाहिए। मैं यहाँ शिमला मिर्च नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं डाला है। और थोड़ा सा पत्ता गोभी उसमें डालेंगे। ये भी थोड़ी सी नरम होने के लिए थोड़ी सी तब तक चलाएँगे। यहाँ मैंने थोड़ा टमाटर डाला है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। इसमें थोड़े से आप आलू के स्लाइस भी डाल सकते हो, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। बच्चे बहुत आसानी से और आराम से खाते हैं। इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ सोया सॉस और टोमेटो केचप, देन थोड़ा विनेगर एक चम्मच। और मुझे पैकेट के अंदर ये भी मिला था, रेड चिली सॉस और नूडल्स का मसाला मिला था। अब हम इसमें डालेंगे नूडल्स, उसको चलाएंगे थोड़ी देर।
पैकेट के अंदर मुझे रेड चिली सॉस मिला था वो भी मैंने डाल दिया इसमें, ये काफ़ी है एक पैकेट के लिए। देन हम उसमें ऐड करेंगे मसाला, नूडल्स मसाला, हक्का नूडल्स मसाला, और अच्छे से इसको चलाएंगे। मैंने थोड़ा सा इसमें सॉस भी ऐड किया है, केचप, टमाटो केचप। अब हमारी ये नूडल्स तैयार होके बन गई है, अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। रेडी हो गए हमारे नूडल्स, ये बहुत आसानी से बन जाता है। ऐसा नहीं है कि फिर उसमें जो चीज़ चाहिए वो चाहिए चाहिए, हम घर में जो चीज़ अवेलेबल है उसी से भी बना सकते हैं, कुछ स्किप भी कर सकते हैं, कुछ डाल भी सकते हैं एक्स्ट्रा। देखिए रेडी है, ये जितना देखने में अच्छी लग रही है उतने खाने में भी टेस्टी है। ओके बाय।